यहाँ है कुंड, देखिए दोस्तों खूबसूरत सा मंदिर के चारों तरफ देख सकते हैं दोस्तों, क्या खूबसूरत सा डिजाइन बना दिए है पूरे तरफ चारों तरफ घूम घूम के। वही है दोस्तों, देखते हैं शिव मंदिर क्या भव्य दृश्य है भाई। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ प्राचीन शिव मंदिर देव बालोदा, जो कि कुम्हारी के पास में स्थित है। तो पूरा वीडियो मैं आज दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और देखिएगा। तो नमस्कार, जय जोहार। अपन निकल चुके हैं टाटीबंध रायपुर से, आज अपन जा रहे हैं प्राचीन शिव मंदिर देव बालोदा, जो कि यही कुम्हारी के साइड में है। लगभग यहाँ से 12-13 किलोमीटर बता रहा है, तो वहीं जाएंगे और वहाँ को वीडियो दिखाएंगे भाई प्रोजेक्ट। और इधर इस्कॉन मंदिर भी है, कभी यहाँ का भी दिखाएंगे इस्कॉन मंदिर का। और अभी तो अपन चल रहे हैं भाई सीधा ही सीधा, और अपने को कुम्हारी के थोड़ा उस पार जाना है देव बालोदा। काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है भाई प्राचीन मंदिर, वहाँ का पूरा वीडियो दिखाएंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे नए नए जगह का। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, अच्छा लगे तो, और अच्छा नहीं लगे तो भाई कमेंट करके भी बताइएगा क्या है कैसे बनाते हैं हम, वो भी पता चलना चाहिए ना। तो भाई चंदन टी करके गाँव देख सकते हैं, चंदन टी अपन इस तरफ से जा रहे हैं, इस तरफ से नहीं जा रहे हैं मेन रोड से, मेन रोड से जाएंगे मज़ा नहीं आएगा। देख सकते हैं सिंहनाथ नदी आ गया भाई, तो अपन पहुँच चुके हैं कुम्हारी। ये है कुम्हारी, देख रहे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई उस साइड में, और इस साइड में शाम के टाइम भीड़ रहता है और सुबह टाइम उस तरफ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जाम लग चुका है। ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहा होगा, इस तरफ भी लगना चल हो गया लगता है भाई जाम। ये देखिए अपन अभी निकल चुके हैं कुम्हारी से, ये देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर सा डिजाइन इधर बना हुआ है भाई, देख सकते हैं। और कुम्हारी निकल चुके हैं, मैं उधर बीच का वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं नहीं बना पाया। तो इधर आगे आगे निकल गए, देख रहे काफ़ी शानदार दृश्य है भाई, पेड़ देख सकते हैं वही लग रहा है पेड़ के छाँव में। इधर पेट्रोल टंकी भी है, इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंग कॉलोनी भी आपको मिल जाएगा। तो और अभी सीधा ही चल रहे हैं और आगे अपने को शायद हम मंदिर मिलेगा, वहाँ से मुड़ना रहेगा लेफ्ट साइड में, तो चलते हैं सीधा। तो क्या तबाही सीन है, इस तरफ भी भीड़ है उधर भी भीड़, और यहाँ से दूर करीब 19 किलोमीटर है, तो सीधा ही चलते हैं भाई क्या हो गया यार, सामने भीड़ भाड़ बहुत नज़र आ रहा है। तो जैसे यहाँ बस आएंगे आपको साईं मंदिर मिल जाएगा, देख सकते हैं आज क्या है शुक्रवार, गुरुवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है भाइयों, देख सकते हैं साईं मंदिर। हाँ वीडियो नहीं बनाना इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ, अपने को ये सामने से ही साईं मंदिर के सामने से आपको मोड़ जाना है लेफ्ट हमें, तो अपन यहाँ पेट्रोल टैंक सामने से आगे से मोड़ जाना है भाई। तो अपन मोड़ चुके हैं इस रोड में, लेफ्ट ले लेना है साईं मंदिर से पेट्रोल टैंक के आगे से, तो ये उर्ला के लिए जाता है, उर्ला करके लिखा हुआ है वहाँ पास, तो यहाँ से जाना है अपने को सीधा 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 ही सीधा चल रहे हैं भाई। तो दोस्तों अपन यहाँ पास रुके हो चुके हैं, अपने को ट्रैक भी पार करना पड़ेगा, तो यहाँ पास ट्रेन आने का इंतज़ार है, रुके हुए हैं, ट्रक पार कर लिए हैं और सीधा ही सीधा आ रहे हैं, और सीधा जाना है किस तरफ जाना है नॉर्थ शुरू में आ रहा हूँ, देखते हैं 2 किलोमीटर दिखा रहे हैं किधर ही जाना है पता नहीं, तो देखते हैं यहाँ पर रुक कर और देखते हैं। तो दो तरफ दो जगह रास्ता है भाई, कौन सा तरफ जाना है देखते हैं। दोस्तों अपन आ चुके हैं देव बालोदा करके गांव में, इसी गांव में है, देखते हैं किस तरफ जाना पड़ता है हम लोग को। और यहाँ पास है क्रिकेट स्टेडियम जबरदस्त, तो हम लोग सीधा ही सीधा चल रहे हैं, अभी देखते हैं कहाँ पास है मंदिर। तो यहाँ आ चुका हूँ प्राचीन शिव मंदिर, तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को यहाँ का पूरा सीन। यह गेट देखिए क्या खूबसूरत शिव मंदिर का पूरा डिटेलिंग यहाँ पास दिया गया है, महादेव मंदिर देव बालोदा पढ़ सकते हैं आप लोग। ये देखिए जिम करके मंदिर के बाद दोस्तों, तो यहाँ पास है इधर है कुंड, क्या खूबसूरत सा कुंड बना दिया है भाई इस तरफ,
और ये मंदिर देखिए क्या खूबसूरत सा डिजाइन है। तो ये है मंदिर, देख सकते हैं क्या भव्य मंदिर, प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर सामने बना जा रहा। और ये है सामने नंदी महाराज। तो हम अभी अंदर जाके भी दिखाएंगे आपको, अंदर जाएंगे। दोस्तों तो मैं यहाँ सामने बैठा हूँ, गार्डन जैसा है वहाँ बस। और ये देखिए मंदिर क्या खूबसूरत सा मंदिर है भाई, प्राचीन मंदिर, भव्य जबरदस्त डिजाइन। मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो खाली होने दो फिर अच्छे से दिखाऊंगा। यह पूरा गार्डन यहाँ का सामने का देख सकते हैं, शिव मंदिर का। और ये पूरा मंदिर है देख सकते हैं, उधर से बनाया है, एंट्री गेट है। और यह ज़्यादा सा जगह नहीं है लेकिन बहुत प्यारा जगह है भाई, छोटा सा है लेकिन। दोस्तों तो घर बैठे दर्शन करिए भगवान शिव का। यह है गर्भगृह, देखिए भाई क्या खूबसूरत सा बना हुआ है अंदर। दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पास है शिवलिंग, गर्भगृह, बेहद प्राचीन मंदिर है भाई, देख सकते हैं। दोस्तों तो यह है शिव मंदिर, देख सकते हैं यहाँ का गर्भगृह, घंटी को बांध दिया है यहाँ। और ये सामने यहाँ पास नरियर, ये दूध चढ़ाने के लिए वहाँ पास लगा हुआ है, देख सकते हैं। बंद है, ताला लगा दिया है यहाँ पास सामने। मंदिर, प्राचीन मंदिर देख सकते हैं। तो यहाँ का क्या खूबसूरत से बना दिया है मंदिर, पूरा पुराने ज़माने का डिजाइन खूबसूरत का है। अरे है सामने का परिसर। देख सकते हैं सामने में कुंड, ये देखिए फिर कुंड है, कुंड का नज़ारा देखिए, पानी भरा हुआ है भाई खूबसूरत से, और कुंड जबरदस्त लग रहा है इस तरह से कुंड। और उस पार है तालाब। डिजाइन देख सकते हैं भाई क्या खूबसूरत सा डिजाइन है। यहाँ पास मंदिर, और यहाँ पास नंदी महाराज, इसको ढक दिया है भाई, पता नहीं क्यों क्यों ढका है। तो देखिए यहाँ पास
मंदिर के चारों तरफ देख सकते हैं दोस्तों, क्या खूबसूरत सा डिजाइन बना दिया है पूरी तरफ, चारों तरफ घूम घूम के क्या कलाकृति किया गया है देख सकते हैं। वहाँ पास देखिए पूरा जबरदस्त। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे ना।